बुराड़ी का इलाका ऐसा है जहां बहुत से काम होने की जरूरत साफ दिखाई देती है, लेकिन ये जरूरत यहां के पार्षद अनदेखा कर देते हैं। तभी तो लोग सालों तक काम न होने की बात जोते रहते हैं। यहां ज्यादातर अनधिकृत कॉलोनियां है जहां सुविधाओं का अभाव दिखाई देता है। आप भी सुनिए क्या कहती है बुराड़ी विधानसभा के भलसवा जहांगीरपुरी वार्ड की जनता। और यहाँ पे कच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ जो बदबू उठी रहती है, इसमें आग लग जाती है तो इसमें धुआं भी उठ जाता है और सारा सांस की प्रॉब्लम ज़्यादा बैठती है लोगों को। बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ के जो नेता हैं काम ठीक कर रहे हैं। वैसे तो पानी की कोई समस्या नहीं, गंदा आता है। और दूसरा ये सफाई कर्मचारी निकालते हैं, कूड़ा को उठाते नहीं है, पड़ा है तो हफ्ता भर पड़ा हुआ है। जब देखेंगे परेशानी आ गई, वही इस चीज़ की तो शिकायत कभी करो जब भी नहीं सुनवाई। इसकी तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग ध्यान दें और सफाई अफाई की तरफ कोशिश करें तो इसके हम हो सकती है, नहीं तो बाकी और कोई ज़्यादा नहीं। परेशानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं आता, बिल्कुल पीने का चाहिए और बिल भेज देते रहे, बिल भेजते उठते फिरते बहुत। और ब्याह शादी के लिए पार्क ही नहीं, उनमें भी सफाई नहीं है, भैंसे वैसे बनती रहती हैं, गंदगी बहुत, और पानी का जो है निकास नहीं है बिल्कुल भी, और गलियों के अंदर लड़ाई होती है पानी निकास की वजह से। पानी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो पानी के नाली के पानी है ना भी नहीं चल पाते बिल्कुल। लाइट की प्रॉब्लम है पानी की, जैसे इन्होंने बताया कि नालियाँ नहीं चलती, सबने अपने अपने घरों के आगे बांध लगा रखे हैं, पानी भर जाता है फिर उसको लाइट से चालू करके फिर बाल्टी में भर भर के फेंकना पड़ता है। किसी के घर प्लाटों में फेंको वो बोलते हैं हमसे लड़ाई होती है, सारा कारण है पानी का। सब ज़्यादा सफाई कर्मचारी आते हैं यहाँ पर? कोई भी नहीं आता, करवाने में नहीं आता कोई। एमसीडी वाला तो कोई आता ही नहीं है ना, कोई नाली साफ करने आता है ना कोई कूड़े वाली गाड़ी है किसी गली में जाती है किसी में नहीं आती। उनसे बोलो हमारी गली में क्यों नहीं आते, वो कहते हैं पहले एप्लीकेशन लिख के दो तब आएंगे। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है खत्ते की समस्या, खत्तों की वजह से यहाँ पे जो है जल स्तर काफ़ी ख़राब हो गया है, पॉल्यूशन की वजह से सांस की समस्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो हमारे पार्षद जी हैं जीत यादव, उन्होंने अच्छा कार्य करवाया है। बाकी जो यहाँ पे जिले सिंह चौहान थे पहले, उन्होंने इस क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया, कालू भैया जी ने भी कोई काम नहीं करवाया। समस्या सारी है कि बीमारी फैलती है यहाँ, यहाँ सारा धुआं का धुआं मई जून के महीने में सबसे ज़्यादा हर महीने में यहाँ फैलता रहता है। हम लोग यहाँ काम करते रहते 24 घंटे यहाँ पे, तो बीमारियाँ फैलती। हमारे यहाँ परेशानी ये है कि यहाँ पे कोई नाला कोई साफ नहीं होता, जहाँ देखो वहाँ कूड़ा का कचरा होता है। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कचरा है खत्ते का, जिसमें दुनिया भर का खत्ता आता है, बीमारियाँ होती है, जब आग लगती है यहाँ तो बस सांस लेने में दिक्कत ही होती है। ये 2 साल से टूटी हुई है, आज तक नहीं बनी है ये, तो इतनी मुझे वो नहीं है, लेकिन इतना सफाई कर्मचारी आते पर ना ये बनती है, तो ये 2 साल हो गए बहुत परेशान है। यहाँ परेशानी है जी, एक तो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा यहाँ हुआ सुनना, ठीक है, अगर 2 गाड़ी भी आमने सामने से आ रही है तो इतना जाम लग जाता है कि बंदा सर्विस पे जा रहा है ड्यूटी पे जा रहा है तो जा नहीं सकता, यहाँ तो बाढ़ आ जाती है जी। शायद हमारे नेताओं के लिए 5 साल का वक्त भी कम पड़ जाता है, इसलिए वार्ड में वो काम नहीं कर पाते। पंजाब चुनाव के बाद अब एमसीडी चुनाव की बारी है। चुनाव के वक्त जिस जनता को सिर आंखों पर बिठाया जाता है, चुनाव के बाद क्या वही जनता आंखों की किरकिरी बन जाती है? बुराड़ी की जनता का लगभग यही हाल है। यहाँ के हालात देखकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये राजधानी दिल्ली की वार्ड है। है ही नहीं, कोई माड़ी सी बच्ची जाती है उसका भी रेप हो जाता है, कोई वो थोड़ी है, सुधार थोड़ी है। कोई भी जनता हो, हम ये चाहते हैं कि महिला सुरक्षा रहे, तो महिला की सुरक्षा ही नहीं है तो फिर फायदा क्या है इसमें? तो कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ चाहे आम जनता पार्टी आओ चाहे कोई भी आओ, महिला सुरक्षित रहनी चाहिए, एक साफ सफाई रहनी चाहिए। अब ये आम पार्टी आ रही है, कौन सी सुरक्षा है? ये देखो कचरे का भी ये पड़ा है, यहाँ सारी परेशानियाँ हैं, ना रोड है ना नालियाँ हैं, ना कोई सफाई कर्मचारी आता है और ना ही यहाँ पर कोई विशेष कोई सुविधाएं हैं, जैसे जन सुविधाएं होती हैं ना वो जन सुविधाएं हैं। और अपना ये ऐसा लगता है कि दिल्ली से बाहर है ये क्षेत्र, ऐसा लगता है कि दिल्ली से बाहर है, दिल्ली नहीं है ये ग्रामीण क्षेत्र से भी बेकार क्षेत्र है। पानी तो बस सबसे बड़ी परेशानी तो ये जाम की ही है, जाम की और पानी वगैरह की, प्रॉपर प्रॉपर ही नहीं आता पानी, में डोली आ रहा है बस, ये
परेशानी हमें सबसे ज़्यादा कूड़े की है। नालियाँ हफ्ते हफ्ते साफ नहीं होती, सारा डस्ट पड़ा हुआ, नलकों में पानी नहीं आता, गंदगी इतनी है, यहाँ सीवर नहीं है, लेटरिन के सीवर नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये जब चुनाव का टाइम आता तो ये कह देते आप डालेंगे, सड़क तोड़ के उसको दोबारा बनाने की शुरू कर दे, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुई है। सारी पर 3-4 महीना तो नाले गिरे को हो गए, अब ये नाम जिन्होंने बंद रही बटवा रही सीवर वगैरह नहीं डले। परेशानी है बच्चों की, मतलब बच्चों जगह जगह खड़े होते नशा करते हैं, ज़्यादा तो ये है, ये बच्चे जो मोड़ पे हो, गली में हो, बच्चे फिर लड़की निकलने में वो होती है दिक्कत, लड़की निकलने में दिक्कत हो तो फिर गली में साफ सफाई जमादार नहीं आता। परेशानी है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं जगह जगह, सड़कें टूटी पड़ी हैं और पीने के पानी कम आ रहा है, बिजली भी भाग जाती है कई घंटे तक, ना तो यहाँ सफाई हुई है आज तक, और ना MCD वाले देखने आते हैं कभी भी, निगम आज तक देखने नहीं आया कि कभी काम हुआ है कि नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हो गली के लिए बोला था उनको, आज तक गली बना के नहीं दिया, इतना काम भी नहीं कर सकते नहीं पता, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। यहाँ पे ना कोई लैट्रिन बाथरूम, और यहाँ पे जो इतने बाहर का कोई आदमी आएगा तो उसको बहुत परेशानी होती है, और तो सभी दुकानदार भाइयों की ये परेशानी है, लेकिन कोई भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशानी यही है कि जैसे बारिश का पानी भर जाता है तो गड्ढे में मतलब की परेशानी हो जाती है, ये यही जा सकता है। परेशानी बड़ी खुदी बड़ी अब करने, आज 1 महीना होगा बड़ी खुदी में, 1 महीना होगा पूरा, पानी साफ आता है कुछ नहीं, गंदा पानी है बिल्कुल, कार आ रही है कि ना लाइन जुड़ी ना कुछ, खुदी खुदी बढ़िया ना निकाल ना वार्ड ना कहीं का भी कोई रास्ता नहीं है। परेशानी मेन दिल्ली पुलिस के खिलाफ है कि उनकी कोई भी डिपार्टमेंट एक्चुअल वर्क नहीं कर पाती है, जैसे हमारे मार्केट है, मार्केट में आए दिनों क्राइम होती है, चोरियां, साथ में बैंक है, बैंक में क्राइम परसों भी क्राइम हुए, 98,000 दिन 2 बजे दिन में किसी का हाथों से छीन लेगा, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। परेशानी है, यहाँ ना कोई पार्क की सुविधा है, ना कोई कहीं पर लेटरिन पेशाब करना कोई सुविधा नहीं है, सड़क भी एकदम नष्ट हो रही है, पानी आता है टाइम से, पानी में कोई टाइम नहीं, आज आ रहा 2 दिन बाद नहीं आ रहा है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, ना तो सब ये इसकी सुविधा है, लेटरिन बाथरूम पेशाब कहाँ करें, और ना रोड है ठीक है, रोड नाले रुके हुए हैं, पानी भर जाता है यहाँ पर। समस्या ये है जो बुजुर्ग आदमी यहाँ है, और निगम पार्षद की जो पेंशन है 26-26 महीना उन्हें हो गए, विधवा हो गई, उन्होंने बेचारे ने क्या बुरा कर दिया जो उनके लिए उसने कुछ सोचा ही नहीं आज तक, जबकि हाईकोर्ट से पेंशन इनके बढ़ा रहा है, मोदी कह रहा है 1,000 रुपये ने और बढ़ा के दो, इनको पैसे बढ़ा के दो, इनका 1,000 में क्या हो रहा है, इस महंगाई को देखते इनका 1,000 में पेंशन में क्या हो रहा है। पानी इतना गंदा आता है, मतलब पीने का बिल्कुल वो नहीं है, ना कोई बुराड़ी को पार्क है, और हमारे यहाँ सत्य बिहार में जोड़ है बिल्कुल, काफ़ी दिन से कोई सुनाई नहीं हो रही इसकी, गंद पड़ा है बिल्कुल। परेशानी ये है कि हमें पानी के कनेक्शन नहीं दे रहे, बाकी मेरे 3 लड़के हैं और तीनों के लिए मैं कनेक्शन के लिए जा लिया, जबकि मेरे पहले एक घरवाली का कनेक्शन लगा हुआ, उस बेस पे उन्होंने हमें कनेक्शन क्यों नहीं दे रहे। परेशानी यहाँ MCD का कोई हॉस्पिटल नहीं है, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना रोड पे भी हो जाती है बुराड़ी रोड के ऊपर, तो सिर्फ ट्रोमा सेंटर या हिंदू राव हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। यहाँ की जो समस्याएं हैं वो चाहे नालों की हो, चाहे MCD हॉस्पिटल की हो, गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल नहीं है, एक कार्य चल रहा है हॉस्पिटल का, जो गाँव पंचायत की ज़मीन है कौशिक इंक्लेव के अंदर 200 बेड के का हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद सुनाएं कि आपको बाकी वार्ड की जनता की आवाज़, दिखाएंगे बुराड़ी के 2 और वार्ड का भी हाल एक छोटे से ब्रेक के बाद।